नमस्कार सर, माझं नाव आहे मंचक तुकाराम तिरोळे आणि हा जो डेमो केलेला आहे ये एसटी का डेमो है और यहाँ पर सोयाबीन है तीन प्रकार का। एक को यहाँ पर प्योर एसटी लगाया है, खाली दो बूंद, और बीज कितने हैं 50 बीज को दो बूंद लगाया है 22 अप्रैल 2022 को। आज है 29 अप्रैल 2022, मतलब आज छठा दिन चालू है ना। तो यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर बिल्कुल यूज नहीं किया है। इधर देखिए सर, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल यूज नहीं किया है और यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एसटी प्लस पानी है, एसटी प्लस पानी है, इसमें प्योर पानी, मतलब यहाँ पर किसी ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो नेचुरल है ये, जैसा भी बीज है वैसा ही डाला है। अभी देखो यहाँ पर भी उगुन हो गया, उसका जर्मिनेशन हो गया है, मगर यहाँ का जर्मिनेशन हो गया है और ये गिरा नहीं है, ये इसका पोजीशन टाइट है, यानी कि इसमें और ताकत ज़्यादा है। बीज प्रक्रिया करने के बाद जर्मिनेशन तो हो गया है, मगर इसमें जो भी एक ताकत रहना चाहिए वो नहीं है, वो झुका है, इधर उधर पड़ा है, गिरा है वो, और यहाँ पर पूरा टाइट है। यानी कि एसटी का बॉटल यूज करने के बाद, बीज प्रक्रिया करने के बाद, जर्मिनेशन होने के बाद भी अगर यहाँ पर पानी नहीं, अभी पानी तो सबको नहीं है, हम पानी दो दिन से इसको दिए नहीं है, तो पानी तो किसको भी नहीं दिया है, मगर ये टाइट है। तो इस प्रक्रिया का जो ये रिजल्ट है बहुत अच्छा है, और सभी किसान ने इसका अगर यूज करते हैं, बीज प्रक्रिया, बेने प्रक्रिया, रूप प्रक्रिया। ये हमारे सहकारी है, नमस्कार, मनोना सिद्धे सर, और आज हमारे ऑफिस में आए हैं, ये हमारा ऑफिस है। तो सर जी, आप आधा मिनट, एक मिनट बोलिए। अभी सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज अभी जो हमने जिसको एसटी का बीज प्रक्रिया किया है उसमें क्या फर्क है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें तो एकदम स्ट्रेंथ करता है, ये पूरा खड़ा है, ये पूरा ऐसा नीचा गया, मतलब इसका क्या है कि इसको जो डिफिशियंसी है इसमें वो नहीं है, इसको खाना जो मिलना चाहिए था इसको नहीं मिला और इसको मिला है,